नाजरीन दादू में धारन की आबादगारी खिलाफ सिविल सोसाइटी एहतजाज के आए उन हवाले से दिसूं था नवीद कुरैशी की रिपोर्ट। नाजरीन अज धारन की आबादगारी खिलाफ जो एहतजाज मुजहरो किया मशहूर शायर है संजय महट भाई की अगवाणी में जो दादू प्रेस क्लब जो आदो धरणो हो चवण है तो वचन है जिस तीन एक धारियों होंद अस एहतजाज कंदा रहंदी मजामत कंदा रहंदी जो सिंध के अंदर एक धारियों अस कबूल ना है धारियन के इतना निकाली दिनी वे उन सिलसिले में असि गाल बोल थी है महट भाई साहब से बेन से अगवाणी कन पाया उन्होंने सा गाल बोल थी है। अफगानिस्तान में 79 का जंग लगी है उनका उन मानून के हेडा पाकिस्तान में पनाह दिनी वही उन्होंने सिंध में स्पेशली पनाह से गुड खुली छूट भी दिनी वही जिन पैं मर्जी से वसन जोड़ू गोठ जोड़िया जंग के साल थन बंद थे उ 53 लख अफगानी जो सजे पाकिस्तान में उन्होंने वेठल कुछ अड़ा मू जो टकन से ईमान विकामन पाया विकामन विकणन पाया शिनाख्ती कार्ड ठहराना उनके उन डोमिसाइल ठहराया वो इतना की शोहरियत वा वह जैसे त पनाहगीर के कदें भी उन मुल्क में शोहरियत ना मिलती उनका हक जरूर पूरा कबा पर उनके छूट न मिलती है। सो पनाहगीर हाँ असो सब्सिडियो खाइन पाया असो पानी भी पियन पाया असो अन्न भी खुटाइन पाया ही महंगाई भी कन अड़े कोरोना की सूरत हाल में जिते हर पाकिस्तानी 1.5 लाख जो कर्ज है उत इन मुसीबत के कढ़ो वो असो नौकरियों से वसील से काबिज थन्दा था वन नादान को इन पनाहगीर के हाँ पैं मुल्क मोकिलो मत सजी सिंधी कौम रोडन से निकरे असि रैली कामयाब हुई है अस इंशाल्लाह इन रैली का सजी सिंध में रैली करण जो ऐलान भी कंदे जे गैर कानूनी अफगानी इतने रहन था जिनको मुद्दो पूरो कानून धारियन के खिलाफ है उ धारिया जे इतने 40 साल का रहन पाया जिनको कोई हक को उन्न के खिलाफ आर्डर थी चुको है सुप्रीम कोर्ट भी आर्डर किया तो इन धारियन के कढ़ो वे असाजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बाजुआ साहब उन भी आर्डर किया अफगान के कढ़ो उन बावजूद भी असाजे सीएम उनके साल की मोहलत दिनी जो 30 जून से खत्म थी अस वक्त पैर तो सीएम के चौं था तवो साल जो बधायल हो वो पूरो थी चुको है पाँगी जबान के पानी दियो इन वक्त फिल फोर आर्डर कर अफगानियन के अफगानी गो जो नारो है वो नारो जो इन कर धारिया जे सिंध में जे आबाद हैं सालन का वी उके धारिया असाजे इन सिंध के बदनाम करण में पूरा एहतियात किया सिंध के अंदर जो 30 लख अफगानी रहन पाया अस यो मुतालबो क्यों पाया इनके निकाली दिनी वे सरासर जुल्म है सिंध के अंदर 30 लख अफगानियन के रहा है वो गुनाह किया जैसे सिंध हाई कोर्ट भी नोटिस कड़ो है अफगानियन के पैं मुल्क वापस मोकिलो वे सिंध धरती माना जन पानी जागीर ठाए वो पे उन कबील कब्जा पा पैदा कन केर भी सिंध गवर्नमेंट उनके चवण के लिए तैयार न सोन जो घर उनके तबाह बर्बाद किया वे केर कुछन के लिए गुंगा बूढ़ा लगा वेटा केर कुछन को मुजाहरो सब वन एजेंडा हुई सिंध गो अफगानी गो धारा सिंध खाली करो उन्हें करे असो इो मुतालबो है धारा जो 42 साल 1979 का वही कर अफगानी भगोड़ा आया है उन असाजे इन गिलाजत एतरी पखेड़ी एतरो जो है सो कम किया जैमें हर लिहाज का असा सिंधी मानून के जो है सो नुकसान है जिनमें जो है सो मेहरबानी करे जेके भी धारा आयल हैं उको है सो सिंध का बाहर उन कढ़ो इन कर ये रैली निकती है जैसी तीन धारा सिंध में आबाद हूँ तेसी तीन ये असानी जिदोजहद हलंदी पी मुजाहरा पे जैसे तीन धारा निकाल ना सिंध में तेसी तीन खामोशी नी असम।